नमस्कार, जागरण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। सिटी राशन एसोसिएशन डीलर के जो आज वोटिंग है वो हो रही है और संजय अबरोल जी जो प्रेसिडेंट हैं वो मेरे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो वोटिंग है टोटल 200 वोट जो है और अभी तक जो काउंटिंग है वो 45 हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, आपके सामने वोटिंग हो रही है। वोटिंग प्रोसेस जो था सुबह आपके माध्यम से ही मैंने अनाउंस किया था कि सुबह 10 से लेके 3 बजे तक हमारे वोटिंग क्लासेज का टाइम है। तो मेरे डीलर भाई आ रहे हैं, आराम से आके आपके सामने वोटिंग हो रही है, ठीक है। बाकी हम बिल्कुल फेयर एंड फाइनल काम आपके सामने चल रहा। आपने सारा इसको अपने मीडियम के माध्यम चेक भी किया। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितनी ज़्यादा वोटिंग हो सके वो करवाई जाए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने है। जो जीतेगा वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट हो जाएगा। जी शुक्रिया सर। 3:30 बजे इस वोटिंग की ओपनिंग की जाएगी और 3:30 बजे आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगी कि आखिर इसका ऑनर कौन है। और जिस तरीके से आपको लाइव ये दिखाया है मैंने कि वोटिंग जो है वो बहुत अच्छे से निगरानी में की जा रही है, हर एक चीज को चेक करके फिर ही वोटिंग की जा रही है। जो इसका मेंबर है उसी के द्वारा वहां पर वोटिंग जो है डाली गई है। जो बाहर का कोई आए वो उसका मेंबर अगर नहीं है तो वो वोट नहीं डाल सकता। इलेक्शन कमिश्नर विजय कुमार जी मेरे साथ है। सर स्वागत है। आज जो वोटिंग हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से देखा जा रहा है 200 वोट है, अभी तक कितने वोट्स हो गए? टोटल 200 वोट है और 43 वोट जो पोल हो चुके हैं। तो 3 बजे तक टाइम है, तो 3 बजे के बाद 3:30 बजे हम बॉक्स खोलेंगे, उसके बाद काउंटिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे रिजल्ट जब क्या आएगा, कितने किसके हक में वोट पड़े हैं, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। राकेश बाली जी मेरे साथ है, क्रॉस चेकिंग के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सर, किस तरीके की चेकिंग जो है वो की जा रही है और कितने वोट है जो अभी तक पूरे हो गए? नियर अबाउट मैडम 40 और 50 के करीब वोट्स हो गए हैं। हमारी क्रॉस चेकिंग की जो डीलर जिन पर्टिकुलर जिनकी फेयर प्राइस है वही आके वोट यहाँ पे डालेंगे, कोई और दूसरा नहीं आ सकता। पहले हम उनका वोट डीलर नंबर चेकेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर हम इलेक्शन कमीशन के पास भेजेंगे कि वो क्या क्रॉस चेकिंग करेंगे, क्या उनका वोट सही है। अगर सही है तो वो वोटिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं वो वोटिंग नहीं कर सकते। जिनका जिनकी फेयर प्राइस जिनके नाम पे चल रही है वही वोटिंग कर सकता है, अदरवाइज कोई वोटिंग नहीं कर सकता। फेयर इलेक्शन होगी ये तो बिल्कुल मीडिया के सामने होगी। जो भी है ऐसा नहीं कि कोई भी आके किसी का भी वोट डाल सकता है, वो नहीं वो होगा। यहाँ पे जो इलेक्शन होगी हम फुल एंड फेयर करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्रॉस चेकिंग की जा रही है अच्छे से और इनका यही कहना है कि बाहर से कोई कैंडिडेट अगर आता है जो इसका कैंडिडेट है वो ही वोट डाल सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वोट डालने के लिए आए हैं। इनका यहाँ पर नाम, रजिस्ट्रेशन वगैरह, नाम सब कुछ है, RID नंबर है, ये आप देख सकते हैं। ये वोट डालने के लिए आए हैं। वोटिंग की जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर चल रहा है। प्रेसिडेंट की पोस्ट पे यहाँ पर जो है वो श्री संजय अबरोल जी हैं और डिपो नंबर उनका है 287 और दूसरे जो है श्री तरसेम लाल जी हैं और उनका डिपी नंबर है 270। तो अब ये देखना ये है कि वोट किसके हक में पड़ते हैं और जो वोटिंग की प्रोसेस होता है वो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। क्रॉस चेकिंग के बाद ही वोट जो है वो डाले जा रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी उपस्थित है और वोट डालने आए हैं। स्वागत है मैम आपका। आप यहाँ पर वोट डालने आए हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? शिवनगर से। ये शिवनगर से आए हैं जी। आप कहाँ से आए हैं? जानीपुर से। आप कहाँ से आए हैं? कृष्णनगर से। तो वोट डालना कितना जरूरी है? हाँ, बड़ा जरूरी है। हाँ, ये तो बात जरूरी है, सही बात है। तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे? अब क्या बोलूँ मैं? देना चाहते हैं वोट और जी साहब को देना वोट जी जरूर। जिस जिसकी अपनी अपनी चॉइस है वो अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट को वोट डाल सकता है। श्री तरसेम लाल जी मेरे साथ हैं। सर स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? और अगर आप ये जो गद्दी है ये संभाल लेते हैं तो किस तरह का काम जो है वो करेंगे? कोई मैं इसलिए, मेरा नाम तरसेम लाल है, डिपो नंबर 270 जी। अगर मैं जीत गया मैं अपने डीलर भाइयों से यही गुजारिश है मेरी कि जैसे पहले इन्होंने साथ दिया जो पहले प्रेसिडेंट थे वैसा ही ये मेरा साथ दे, इनसे मेरी यही गुजारिश है। अगर अबरोल साहब जीते हैं तो मेरा फर्ज है कि उनका साथ देना जी। हम सब जो एक ही हैं, इनसे मेरे यही गुजारिश है कि मेरा साथ देना अगर मैं जीत जाता हूँ जी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि 200 वोट है, अभी तक क्या लगता है कितने वोटिंग होगी? अभी यही 40-45 के करीब इतना हो गया है जी। तो क्या अंत में एक मैसेज क्या देना चाहेंगे?
मैसेज यही है कि सब आओ, जितने भी हैं वोटर हैं सभी आओ, सभी वोटिंग करो जी। तो लास्ट में जो भी जीतेगा भाई हमें उसका साथ देना है बस। बहुत बढ़िया बात बोली है इन्होंने, लास्ट में जो भी जीतेगा वो एक दूसरे का साथ देगा, और होता ही ऐसा है कि जो भी जीते उसका साथ देना जरूरी होता है क्योंकि वही एक सारे वर्कर्स को लेकर आगे चलता है। तो मिलती हूँ आपको 3:30 बजे ओपनिंग जिस टाइम होगी इसकी वोटिंग की, जब काउंटिंग होगी और कौन जीता है उसको लेकर आपको अपडेट जरूर दूंगी।